हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा के बारे में। कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए के उत्तर में 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस लिहाज से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है, जिनमें से 67.2% लोग ईसाई है, 3.2% मुस्लिम, 1.5% हिंदू, 1.4% सिख। इसके अलावा अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ की राजधानी ओटावा है। कनाडा में दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं। दुनिया की 60% झीलें कनाडा में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर लगभग 561 झीलें हैं, जो 100 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बड़ी हैं। कनाडा अपनी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। साल 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ने कनाडा को दुनिया का सबसे शिक्षित देश होने का खिताब दिया था। यहाँ के 50% लोगों के पास कॉलेज डिग्री है। कनाडा दुनिया का 7वां सबसे पीसफुल देश भी है। कनाडा का नाम कनाडा कैसे पड़ा, इस पर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये बात मानी जाती है कि कनाडा वर्ल्ड सबसे पहले फ्रेंच एक्सप्लोरर जैक कॉर्टियर ने यूज किया था। यहाँ के गाँव के लोगों ने इस देश का नाम इनसे कनाडा बताया था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जैक कार्टियर ने इसे कनाडा समझ लिया और इस देश का नाम तब से कनाडा ही पड़ गया। सिख लोगों की तादाद कनाडा में बहुत ज्यादा है। कनाडा में हर साल लगभग 30,000 भारतीय जाकर बस जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर सिख होते हैं, इसलिए कनाडा को दूसरा पंजाब भी कहा जाता है। कनाडा अपने नए सिटीजन को 1 साल का फ्री कल्चरल एक्सेस पास देता है, जिससे यहाँ के लगभग 1,000 म्यूजियम और कल्चरल सेंटर्स में फ्री में जाया जा सकता है। अगर आपको समुद्र के किनारे बीचेस पर घूमने जाने का शौक है तो कनाडा आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये देश 2,02,080 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के साथ दुनिया के सबसे बड़े समुद्र तट वाला देश है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। एक कैनेडियन डॉलर लगभग 50 भारतीय रुपयों के बराबर होता है। प्राकृतिक तेल और यूरेनियम का भंडार होने की वजह से ये एक अमीर देश भी है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम लगभग 40,519 डॉलर है, जो इसे दुनिया का 16वां सबसे अमीर देश बनाता है। कनाडा में अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे कम टेम्परेचर -63 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो स्नैग नाम के एरिया में 3 फरवरी 1947 को रिकॉर्ड किया गया। ये टेम्परेचर मार्स में रात के टेम्परेचर के लगभग बराबर है। दुनिया के लगभग 60% पोलर बियर कनाडा में ही पाए जाते हैं, और चर्चिल नाम के टाउन में लोग अपनी कार्स को अनलॉक ही रहने देते हैं, ताकि अगर किसी इंसान का पोलर बियर से सामना हो जाए तो वो कार में आकर उनसे अपना बचाव कर सके। सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। दुनिया के बहुत ही फेमस खेलों में से एक बास्केटबॉल की शुरुआत कनाडा में ही हुई थी। इस खेल को शुरू करने का श्रेय डॉक्टर जेम्स नेमस्मिथ को जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर कनाडा और यूएसए के बीच है, जो 8,891 किलोमीटर लंबा है, क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के दूसरे और चौथे सबसे बड़े देश हैं। कनाडा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिका। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कनाडा को यूएसए में जोड़ देना। तो दोस्तों, ये थे कनाडा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।